देखिए, जैसा अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और न्यूयॉर्क की पिच जो हमने देखी बहुत डाइसी थी, उस पिच पे जिस तरीके से इंडिया ने शुरू किया और 3 में 3 मैच जीत गए तो वेरी गुड चांसेस। स्पिनर्स का परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं हमारे? देखिए अभी वहां न्यूयॉर्क में तो स्पिनर्स की इतनी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन जब आप सेकेंड लेग में जाएंगे इसके सुपर 8 के लिए, तो वेस्ट इंडीज में देखा स्पिनर्स का रोल काफी रहा है, तो अभी जो स्पिनर्स हैं हमारे वो प्ले में आएंगे। कुलदीप एंड जसविंद, ये कॉम्बिनेशन वुड बी आइडियल आपके लिए? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओनली वन विल प्ले एंड आई थिंक कुलदीप विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट 1-1.5 ईयर, बिकॉज यू हैव अक्षर, यू हैव जडेजा हु कैन गिव यू दैट बैटिंग डेप्थ एज वेल, सो आई फील कुलदीप विल गेट द पिक्चर। ओवरऑल थॉट्स ऑन सच अ ट्रिकी विकेट इन न्यूयॉर्क? गेम के लिए अच्छा था, टूर्नामेंट के लिए अच्छा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो 200 नहीं है। देखिए इट वॉज ट्रिकी नो डाउट, बट जो टीमें अच्छी हैं उन्होंने वहां पे अच्छा किया। 120 रन इंडिया ने जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफेंड किए, बिकॉज जब 119 रन बने थे तो आई थिंक बहुत लोगों ने शायद चांस नहीं दिया होगा कि 119 नहीं मतलब चेज हो जाएगा, डिफेंड नहीं होंगे, बट द वे इंडियन बोलिंग यूनिट बोल्ड स्पेशली जसप्रीत एंड हार्दिक, आई थिंक दैट वॉज रियली ट्रिक टू वॉच। तो आपने अभी पीयूष चावला को सुना जो कि न्यूयॉर्क की पिच के बारे में बोला, उन्होंने इंडियन गेम प्ले के बारे में बोला। तो अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में इंडिया की टीम अपना आखिरी मुकाबला खेल चुकी है, जो कि इंडिया ने यूएसए के खिलाफ खेला था। अब इंडिया अपना अगला मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेलेगी, जो कि फ्लोरिडा में होगा। इसके बाद सेकेंड लेग जो कि पीयूष चावला जिक्र कर रहे थे, जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, और पीयूष चावला के अकॉर्डिंग और जो सभी दर्शक जो भी फैंस हैं क्रिकेट के उन सभी के अकॉर्डिंग जो सेकेंड लेग है उसमें स्पिनर्स प्ले में आएंगे। वहां पर टीम इंडिया ज़्यादा स्पिनर्स को प्रेफरेंस देगी। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, क्योंकि न्यूयॉर्क के विकेट में पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ जैसे ही जाएंगे तो फिर वहां पर विकेट स्लो होती है, वहां पर स्पिनर्स प्ले में आएंगे, और हमने देखा है कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ में लो स्कोर बनते हैं और वहां पर स्पिनर्स अक्सर प्ले में आते हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके से सेकेंड लेग होता है, और सुपर 8 का टूर्नामेंट जब सुपर 8 होगा और इंडिया जब सुपर 8 में खेलेगी और उसके बाद अगर सेमीफाइनल जाती है तो वहां पर जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, तो वहां पर स्पिनर्स किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इसी सब के बारे में पीयूष चावला ने इस वीडियो में बताया। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।